राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको सुनाऊंगी अफसान माता की कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक राजा था, उसके 7 रानियाँ थीं, मगर उनके कोई औलाद नहीं थी। सातों रानी और राजा बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत दान पुण्य करते थे, फिर भी उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। एक बार उनके यहाँ अवसान माता की पूजा का बुलावा आया। जो 6 रानियाँ थीं वो कहने लगीं कि आम घरों में भी अगर हम पूजा में जाएंगे तो हमारा मतलब क्या रेपुटेशन रहेगी, क्या मतलब हमारी मतलब इज्जत रहेगी कि हम तो रानियाँ और आम इंसानों में मिलने लगे। इससे तो हमें कोई मतलब इतना तवज्जो नहीं देगा, ये हमारी शान के खिलाफ है, तो इसलिए हमें छोटे लोगों में नहीं जाना है। जो 7वीं रानी थी छोटी, वो उसका तो बड़ा मन था। वह अपनी दासी से कहने लगी, जो दासी उसके मायके से उसके साथ आई थी शादी के टाइम, तो वो उसकी सहेली भी थी, उससे अपने दुख सुख की बातें किया करती थी। तो उससे कहने लगी कि मेरा तो बड़ा मन है पूजा में जाने का, लेकिन ये बड़ी रानियाँ नहीं जा रही हैं तो हम कैसे जा सकते हैं। इस पर दासी ने कहा, कोई बात नहीं रानी सा, आप नहीं जा सकती हैं तो क्या है, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। इस पर छोटी रानी ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, और दासी पूजा में चली गई। छोटी रानी के लिए दासी वहाँ से पूजा जब करके आई तो छोटी रानी के लिए वो प्रसाद लेकर आई और छोटी रानी को दे दिया। तो छोटी रानी ने उस प्रसाद को बड़े प्यार से खा लिया और वह मनी मन माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ हमें भी औलाद देना, पुत्र पुत्री देना। तो प्रसाद खाने से जैसे ही उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो माता रानी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई। क्योंकि माता रानी ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी, तो अब राजा को जब यह पता चला कि रानी गर्भवती है, तो राजा जो रानी से बहुत प्यार करने भी लगा और उसका ख्याल रखने लगा। तो इस पर जो बड़ी रानियां थी उनको जो जलन महसूस होने लगी कि देखो अभी तो औलाद हुई भी नहीं है राजकुमार, और राजा साहब जो अभी से इतना करते हैं रानी रानी के आगे पीछे लगे रहते हैं, और जब राजकुमार पैदा हो जाएगा तो हमें तो राजा साहब पूछेंगे भी नहीं, हमारी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए हमें 6 की 6 रानियों ने मतलब योजना बनाई कि हमें कुछ करना है। तो वो राजा से बोलने लगी कि राजा साहब अच्छी बात है, आप रानी की मतलब देखभाल करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रानी गर्भवती है, उनको राजकुमार होगा तो हमें भी तो माँ कहेगा, हमें भी तो कुछ मतलब उनकी देखभाल करने का मौका मिलना चाहिए। तो राजा साहब कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो रानी कहने लगी, आप राजपाट संभालिए और रानी की देखभाल हम करेंगे, क्योंकि हम भी तो बड़ी माँ बनेंगे। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है, और रानी की जिम्मेदारी 6 की 6 रानियों पर छोड़ दी। अब जो राना निश्चिंत हो गया राजा था जो, कि चलो रानियाँ छोटी रानी का ख्याल रखेंगी। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और बच्चे पैदा होने का समय आ गया। जो राजकुमार आने का समय हो गया तो रानी को जो राजा ने कहा कि क्या किया जाए, तो 6 की 6 रानियों ने कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप अपना काम संभालो, हम हैं ना देखने के लिए, रानी हैं दासियां हैं तो किस दिन काम आएंगी दासियां, सब हम खुद संभाल लेंगी। राजा ने कहा ठीक है। तो जब रानी ने देखा कि उसको तो 5 बच्चे मतलब लड़के और एक लड़की पैदा हुई है, लेकिन बच्चे तुरंत होते ही रोए नहीं थे, तो बच्चों को क्योंकि 5-6 बच्चे एक साथ जन्म हुए थे तो थोड़े कमजोर थे, तो रानी को पता नहीं चला कि उसने कितने बच्चों को जन्म दिया और कैसे दिया है। तो 6 की 6 रानियों ने आपस में जो योजना बनाई कि इन बच्चों को हम यहाँ से मार देंगे, हटा देंगे मतलब। तो रानी को जो आने तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, जब रानी को बच्चे हुए तो उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया, क्योंकि रोए नहीं थे तो रानी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। जब उन्होंने बच्चों को वहाँ से हटा दिया तो रानी ने पूछा कि भाई मुझे क्या हुआ है। तो 6 की 6 रानियाँ बोली, अरे क्या हुआ है आपको, तो ईंट पत्थर हुआ है, क्योंकि उन्होंने ईंट पत्थर वहाँ पे ला के रख दिए कि कंकड़ पत्थर पैदा आपको हुआ है। तो रानी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कंकड़ पत्थर कहीं पैदा होते हैं। अब राजा भी बड़े उत्साह के साथ आया कि चलो देखता हूँ उधर की रानी को क्या हुआ है। जब राजा ने आकर पूछा 6 रानियों से कि रानी को क्या हुआ है,
तो छह की छह रानियां कहने लगे, अरे राजा साहब बड़े बेशर्म की बात है, क्या कहें, हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा। राजा साहब बोले, ऐसा क्या हुआ बताओ। तो कहने लगी कि छोटी रानी साहब को तो कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। राजा साहब कहने लगे, ये क्या कह रही हो, औरतों को कहीं ईंट पत्थर पैदा होते हैं। तो रानी ने कहा, विश्वास नहीं आता तो आप देख लीजिए। जब उन्होंने राजा को विश्वास दिला दिया तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, इस औरत ने तो जो हमारे कुल को कलंक लगा दिया, हम तो इतने खुश थे कि चलो प्रेग्नेंट है, मतलब बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन इसने तो हमारे साथ धोखा किया है, गर्भवती होने का नाटक करती रही, तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो बेचारी रानी वैसे ही दुखी थी, और उन्होंने क्या किया, उस रानी को महल से बाहर कर दिया कि जाओ कौओं को, जो जो कौए उड़ाती थी, कि जो महल पे कौआ बैठे उसको उड़ाया करो, तो उसे कौआ हाँकने के लिए लगा दिया। अब उधर जो दासी थी उसको तो बड़ा दुख हुआ कि देखो क्या करें, इन बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ। दासी से रानियाँ बोली कि अब इन बच्चों को ऐसा करो कि इनको मार के फेंकी आओ। तो रानियाँ कहने लगी, दासी कहने लगी, अरे रानी साहब इतने छोटे बच्चों को क्या मारना, क्योंकि उसे छोटी रानी से बहुत हमदर्दी थी, उसकी सहेली भी थी। तो कहने लगी, एक काम करती हूँ, मैं इन बच्चों को कहीं दूर फेंक आती हूँ, जब इन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो ये भूख प्यास से अपने आप मर जाएंगे, और हमें इन्हें मारने का दोष भी नहीं लगेगा और हम पाप मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा रानियों ने, चलो जो भी तुम समझो वो करना, इनको जाओ दूर फेंकी आओ। अब रानी ने, दासी ने रानी के बच्चों को कपड़े में लपेटा और उन्हें महल से दूर ले गई। अब सोचने लगी, वहां से तो मैंने इनको बचा लिया, लेकिन अब क्या करूं। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंची तो एक कुम्हार ने आंवा लगा रखा था, जहाँ उनके मटके वगैरह पकाए जाते हैं उसको आंवा बोलते हैं। तो उसने उन बच्चों को वहां पे रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान इनकी रक्षा करना, और महल में आ गई। अब अगले दिन जो कुम्हार अपने बर्तनों को चेक करने गया कि पके हैं कि नहीं पके हैं, तो उसने देखा आंवे के पास जाकर कि वहां तो जो छह बच्चे पड़े हुए हैं, एक लड़की है, पांच लड़के हैं, और क्योंकि रानी ने प्रार्थना की थी हमें पुत्र पुत्री दोनों हो, तो उनको एक साथ ही हो गए। तो कुम्हार ने देखा कि हे भगवान ये पांच बच्चे, छह बच्चे किसके आ गए। उसने जो उसकी कुम्हारी थी उसको आवाज लगाई, जो उसकी बीवी थी, कि इधर आ देख, देखें तो क्या बच्चे, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कोई पैर चला रहा है। तो कुम्हार को तो बड़ी दया आई और खुश भी हुआ, क्योंकि उसके भी कोई औलाद नहीं थी, वह भी भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे भी मतलब औलाद हो जाए, वो भी निसंतान था। तो वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपनी पत्नी को बोला और पूछा कि आसपास पता करो कि किसको बच्चे हुए हैं। तो रानी कहने लगी कि मैंने सब जगह पता किया है, जो उसकी कुम्हारी थी, कुम्हार की पत्नी, तो उसने कहा कि मैंने सब जगह पता किया, रानी साहब के अलावा किसी को भी बच्चे पैदा नहीं हुए। तो कुम्हार जानता था कि बड़ी रानियां जो बड़ी तेज हैं, चालाक हैं, जरूर उन्होंने ही कोई चालाकी की है जिससे रानी के लिए हो रहा है कि ईंट पत्थर पैदा किए, क्योंकि पूरे उसमें पता चल गया था कि रानी ने तो ईंट पत्थर पैदा किए हैं। तो कुम्हार समझ गया कि हो ना हो ये जरूर ही रानी साहब और राजा साहब के, रानी साहब और राजा साहब के ही बच्चे हैं। तो उन्होंने उन बच्चों को अपने पास रख लिया और बड़े प्यार से उनको पालने लगा। अब बच्चे जब छोटे थे तो कुम्हारी भी बड़ी खुश हुई कि चलो उसकी सूनी गोद जो भर गई बच्चों की किलकारियों से, घर आंगन खिलने लगा, खिलखिलाने लगे बच्चे। तो अब जो बच्चे टाइम के अनुसार थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो कुम्हार ने सोचा कि ये तो राजकुमार हैं, लेकिन मैं तो इन्हें राजकुमारों की तरह नहीं परवरिश कर सकता। लेकिन फिर भी उसने अपने हिसाब से उनकी परवरिश करना स्टार्ट कर दिया। तो कुम्हार ने मिट्टी के घोड़ा हाथी बनाकर राजकुमारों को खेलने के लिए दे दिए, क्योंकि राजकुमारों के शौक होते हैं, तो उन्होंने जो मिट्टी के बनाकर दे दिए राजकुमार, अब उनसे खेलने लगे। जो लड़की थी उसके लिए चूल्हा चक्किया बना दी, क्योंकि लड़कियां तो इस तरह के खेल ही ज्यादा पसंद करती हैं, चूल्हा चक्की बना के दे दी तो लड़कियां उनसे खेला करती थी। अब राजकुमार को तो मिट्टी के हाथी घोड़ा से खेला करते, और लड़की जो चकिया से खेला करती, तो लड़के कहते थे चल मेरे घोड़े हिन्न हिन्न हिन्न, हाथी की भी आवाज वो निकालने लेते और खेलते। लड़की भी वो चकिया से खेला करती और कहती थी मेरी चकिया चकर चकर,
ऐसे कहती चल मेरी चकिया चकर चकर। तो ऐसे ऐसे वो खेलते रहे, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। उधर से वो छह रानियां गंगा नहाने जाती थी, तो उन बच्चों को रोज खेलते हुए देखती थी। और जो बड़ी रानी थी वो तो थी ही चालाक। वो कहने लगी इस कुमार को तो पहले बच्चे नहीं थे, क्योंकि ऐसे थोड़ा पता रहता ही है कि भाई किसको है किसको नहीं है। तो लेकिन इसको 5 बच्चे लड़के और एक लड़की कहाँ से एक साथ हो गए। वो कहने लगी मानो मत मानो, जरूरी है रानी सा के ही बच्चे हैं, दासी ने इनको मारा नहीं। तो रानियों को मतलब और जेलिस हो गई कि एक ना एक दिन तो ये बात सबको पता जरूर चली ही जाएगी कि रानी के बच्चे किसी ना किसी तरीके से, तो इन बच्चों को तो मरवा देना चाहिए। और रानियों ने कहा कि चलो कोई योजना बनाते हैं, क्योंकि रोज देखती थी और उनकी शक्ल भी थोड़ा बहुत तो मिलती ही थी, राजकुमारों वाले गुण गुण थे उनके अंदर। तो अब उन्होंने क्या किया, अब राजा साहब के कान भरने उन्होंने स्टार्ट कर दिए कि राजा साहब राजा साहब, जो ये कुम्हार के बच्चे हैं ना, ये तो हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, मिट्टी के घोड़े हाथी ले रखे हैं और तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। जो छोटी लड़की है वो भी बोलती है कि चल मेरी चक्की चकर चकर, क्या उसकी चक्की हमारे रथ के पहियों से ज़्यादा तेज चलती है। बड़ी रानी बच्चों के खिलाफ राजा को भड़काने लगी। तो राजा ने कहा कि अरे वो तो बच्चे हैं, तुम क्यों इतना गलत समझती हो। लेकिन रानी नहीं मानी और राजा को रोज उल्टा सीधा भर दिया करती कि आज ये बोला आज ये बोला, मतलब बच्चे उल्टा सीधा बोलते हैं तो हमारे राजा और रानियों की मतलब जिधर से निकलते हैं राजा रानी के काफिले, तो और लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यही बड़े बूढ़े भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि राजा रानी आ रहे हैं, लेकिन ये कुमार के बच्चे तो बड़े बदतमीज हैं, कभी नहीं करते हैं हम देखते हैं। तो एक दिन कहते हैं ना कि जो सिखाते हैं फूट तो जो पत्थर को भी फोड़ देती है। तो क्या हुआ, राजा उनकी बातों में आ गया और उन्होंने जो हुक्म दे दिया कि राजा के बच्चों को मरवा दिया जाए, जो कुम्हार के बच्चे हैं। अब कुम्हार बेचारा बहुत दुखी हुआ कि कुम्हार ने ये बच्चों को, उन्होंने 5 लड़के और एक लड़की को जो मौत की सजा दे दी और उन्हें मार दिया। अब जो कुम्हार था सोचने लगा कि मैंने इन बच्चों को इतना प्यार दिया, बहुत दुखी हुए पति पत्नी दोनों। तो उसने क्या किया, जो बच्चों को शव थे मतलब मृत्यु जो मरे हुए बच्चे थे उनको ले जाकर राजा के बाग में गाड़ दिया और रोज रात को वहाँ जाने लगा। धीरे धीरे जहाँ बच्चे गड़े हुए थे वहाँ पर पेड़ उगाए, 5 पेड़ तो जो लड़के दबे थे वहाँ 5 पेड़ आम के उगाए और जो लड़की दबी थी वहाँ केतकी का पेड़ बन गया। और रोज कुम्हार जो रोज जाता और उन पेड़ों को देखता, बेचारा क्या करे उसकी तो ममता थी कि बच्चे, रोता बैठता वहां पे जाके। तो अब एक दिन उसने देखा कि केतकी के पेड़ से जो है मतलब फूल खिल रहा है। तो उसने सोचा कि जब बच्चे जीवित थे तब भी राजा अपने बच्चों को खिलाना तो दूर कभी छू भी नहीं पाए। तो उसने अपने मन में सोचा क्यों ना 5 पत्ते आम के और 1 केतकी के फूल को तोड़ लिया जाए और राजा को दे आऊं, कम से कम पत्तों के फूल पत्तों के रूप में अपने बच्चों को छू तो लेंगे कम से कम। तो उसने क्या किया, कुम्हार ने 5 पत्ते आम के और 1 केतकी के फूल को तोड़ लिया और पहुंच गया राजमहल। तो राजा से कहा कि राजा साहब मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है लाओ, क्या लाए हो। तो कहने लगा कि देखो ये मैं पत्ते और फूल लाया हूँ। तो राजा ने कहा कि बहुत सुंदर फूल हैं, इन्हें तुम कहाँ से लाए हो, आज तक मैंने इतने सुंदर फूल नहीं देखे। तो कुम्हार ने कहा अरे राजा साहब यह तो आपके बाग के ही हैं, आपके बगीचे से ही मैं तोड़ कर लाया हूँ, इधर आ रहा था तो सोचा कि चलो राजा साहब को दे दूँ, मेरी नज़र इन पर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आपके लिए लेकर आ गया। राजा ने कहा कि हमारे बाग में हैं इतने सुंदर फूल, लेकिन आज से पहले तो हमने ऐसे फूल पत्ते कभी नहीं देखे। तो राजा ने माली को बुलाया और माली ने राजा को बताया कि हाँ राजा साहब यह आपके ही बाग के हैं, लेकिन ये पेड़ अपने आप उगाए हैं। तो राजा ने कहा कि ये फूल और पत्ते अपनी 6 रानियों को देंगे। तो रानियां बहुत खुश हुई, उन्होंने भी राजा से पूछा कि इतने ये पत्ते आप कहाँ से लाए हो, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस पर राजा ने कहा कि ये अपने बाग के ही पत्ते हैं। तो 6 की 6 रानियां बाग में फूल तोड़ने के लिए चली गई। जब रानी फूल तोड़ने लगती तो फूल अपने उनसे टूटता नहीं और ऊंचा आकाश की तरफ उठ जाता। जब उनसे फूल नहीं टूटा तो वो राजा के पास आ गए और राजा से कहने लगी राजा साहब फूल तो टूटता ही नहीं है,
क्या करे, राजा ने कहा कि ऐसा भी कहीं होता है, फूल टूटे ही नहीं। इस पर रानियों ने कहा कि हाँ राजा साहब, हम सब कह वहाँ गए थे, लेकिन वह फूल है जो कि वो तो ऊपर उठ जाता है, टूटता ही नहीं है। तो राजा ने रानियों के साथ सैनिकों को भेजा कि जाओ बाग से फूल तोड़ कर लाओ, लेकिन फूल सैनिकों के से भी नहीं टूटा, वो फिर ऊपर उठ जाता जैसे ही तोड़ते। बाद में सैनिकों ने मंत्री से कहा तो मंत्री ने कहा ये इतनी शर्म की बात है कि तुमसे फूल नहीं टूटा, तो राजा साहब गुस्सा होंगे। इसलिए मंत्री भी गया, लेकिन मंत्री से भी फूल नहीं टूटा। तो उसके बाद सब खाली हाथ आ गए और राजा को आकर बताया। तो राजा ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। जब राजा गया तो फूल फिर ऊपर हो गया, नहीं टूटा। तो राजा ने अपने नगर में मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति उस फूल को तोड़ कर लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन पूरा नगर में कोई सफल नहीं हुआ, जो भी फूल तोड़ने के लिए जाता, फूल तोड़ने से तोड़ने जाता तो ऐसे ही फूल आकाश में ऊपर हो जाता, लेकिन किसी से नहीं टूटता। अब राजा खुद फूल तोड़ने चले तो राजा से भी नहीं टूटा, लेकिन फूल से अब सबने तोड़ लिया। लेकिन अब रानियां कहने लगी ये तो कोई चाल है, जरूर कुमार ने जरूर इन बच्चों को यहाँ दफना दिया, तभी तो 5 आम के फूल और 1 केतकी का हुआ है, 5 आम के पेड़ हैं, जरूर कुम्हार से ही टूटे। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब आप कुम्हार से कहिए। कुम्हार जैसे ही तोड़ने के लिए चला तो कुम्हार से टूट गया, कि कुम्हार ने तो उन बच्चों को बहुत प्यार किया था, टूट गया। तो कहने लगे राजा साहब इसको सजा दीजिए, ये कोई इसने जरूर कोई जादू टोना कर दिया है। वो कहने लगा नहीं महाराज, मैंने तो कोई जादू टोना नहीं किया है। तो जो दासी थी वो समझ गई कि जरूरी है तारी राजा के बच्चे गड़े हुए हैं और ये 5 आम के पेड़ है और ये केतकी का फूल है। तो वो समझ गई, तो कहने लगी राजा साहब जान की माफ़ी हो, अगर आपको यही है तो एक हमारे मतलब जो कौवा हकती है रानी, उससे भी देखिए, वो भी तो हमारे नगर में रहती है, कि उससे टूटता है कि नहीं टूटता है। राजा ने कहा अरे जा उस कलंकनी को क्या बुलाना, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाई ईंट पत्थरों को पैदा करती है उसको क्या बुलाना, उसमें कौन सा इतना सत है कि इससे जो वो फूल तोड़ लेगी जो 6 रानियों से नहीं टूटे हैं, किसी से नहीं टूटे। बोले नहीं एक बार अजमाने में किया जा रहा है। तो राजा ने सोचा चलो ठीक है, जब तो उसको बुलाया तो जो फूल में लड़की थी वो कहने लगी पांचों भाइयों हमारी माँ आ रही है हमें तोड़ने के लिए, बताओ क्या करें। तो भाई बोले नीचे झुक जा, नीचे झुक जा, क्योंकि माँ के आंचल में गिर जा, माँ के आंचल में गिर जा। तो जैसे ही माँ आई तो जो फूल थे माँ ने जैसे आंचल पसारा तो माँ के आंचल में सारे फूलों की ढेरी लगी और फूलों की बरसात होने लगी, सारे पेड़ से फूल झड़ गए, जिसे देखकर सब हैरान रह गए कि देखो छोटी रानी ने तो सारे फूल तोड़ लिए, इस कौवा हाँकने वाली को तो कौवा उड़ाने वाली का भला क्या काम था। तो राजा को भी शक हुआ कि भाई कुम्हार से भी जो फूल टूट गया है, छोटी रानी से भी फूल टूट गया है, ऐसी क्या बात है। तो वह राज जानने के लिए उसने कुम्हार को बुलाया और उससे कहा कि या तो सच सच बताए नहीं तो मैं तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। इस पर कुम्हार जो घबरा गया और उसने सारा राज उसको सच सच बता दिया कि महाराज ये जो बच्चे गड़े हुए हैं ये आपके ही हैं। तो राजा तो हैरान है, बोला तुझे मैं जान से मार दूंगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो राजा कुमार कहने लगा कि आपके खानदान को छोटी रानी ने कलंक नहीं लगाया, 6 रानियों ने तो जो उनके बच्चों को जो फिकवा दिया था और आप मेरे वहाँ पे मिले थे, अब वो 6 की 6 रानियाँ दासी की तरफ देखने लगी। तो दासी में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसने भी राजा के सामने बता दिया कि हाँ महाराज ये कुमार सही कह रहा है, उन बच्चों को मैं ही कुमार के यहाँ पे रख के आई थी, रानी साहब ने रानी साह ने तो 5 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया था, और दासी ने भी उन्हें सारा सच बता दिया। तो राजा साहब को तो बड़ा दुख हुआ और बहुत मतलब पछताए कि मैंने अपने बच्चों को ही मार दिया, और मतलब जो बहुत विलाप करने लगे, मतलब उनको बहुत गिल्टी सी महसूस होने लगी कि मैंने तो क्या किया, जितनी अच्छी रानी है उसको इनके उसमें आके सिकाए में आके मैंने उसको इतना बेचारे को इतना वो कर दिया है। तो राजा ने कहा कि 6 की 6 रानियों को इनकी साजिश रच के मेरे बच्चों को मुझसे मरवा दिया। तो रानियां कहने लगी नहीं ये कुम्हार और ये दासी झूठ बोल रहे हैं, इन पेड़ों को कटवा दीजिए आप। तो राजा ने कहा कि आप क्या कह रही हो, और इन पेड़ों को कटवा दूं। तो राजा ने पहले तो सिकाई में आके पेड़ भी कटवा दिए थे। तो कुम्हार ने कहा महाराज ये आपके ही बच्चे हैं, इन पेड़ों को आप कटवा कर देख लीजिए,
रानियां कहने लगी, नहीं महाराज, इन पेड़ों को कटवाइए, तभी तो सच्चाई पता चलेगी। तो राजा बोला, ये कुम्हार और दासी जो सब झूठ बोल रहे हैं। दासी कहने लगी, कुम्हार कहने लगा, अगर आपको जो विश्वास नहीं, तो पेड़ कटवा के देख लीजिए, नीचे आपके बच्चों के ही शव मिलेंगे। तो राजा ने आदेश दिया कि इन पेड़ों को काटा जाए। जो 5 पेड़ काटे, तो उसमें जो महाराज ने के बच्चे ही हैं। तो राजा ने कहा कि सच सच, राजा को जब सारी बातें पता चली, छोटी रानी बहुत दयालु थी, उसने जो राजा ने तुरंत 6 की 6 रानियों को मृत्यु दंड दे दिया। और उसने देखा तो जो पेड़ जो कटे, 5ों बच्चे उनके जीवित हैं और 5ों बेटे, और 6ा पेड़ के नीचे बेटी भी जीवित है। तो राजा बहुत अचंभा हुआ कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो जो बड़ी रानी थी वो बहुत दयालु थी, कहने लगी, महाराज इन 6 रानियों को माफ कर दीजिए। तो राजा कहने लगे, इनकी दुष्टता के लिए इन्हें माफ नहीं किया जाएगा, आपके साथ कितना बुरा किया है। रानी ने कहा कि, बच्चे भी कहने लगे कि हाँ माँ, इन्होंने हमें मरवा दिया, और हम तो अवसान माता के प्रसाद से मतलब जीवित हुए हैं, अवसान माता ने हमारी रक्षा की है। तो महाराज कहने लगा, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इनकी जो सजा वो मृत्यु दंडी है। लेकिन छोटी रानी कहने लगी, मैंने कब मना किया है कि इन्हें सजा ना मिले, जो इन्होंने मुझे सजा दिलाई वही सजा इन्हें दे दीजिए कौआ उड़ाने की, क्योंकि इनको भी तो एहसास होना चाहिए। राजा ने उनको वही सजा दे दी और रानी को बड़ी इज्जत के साथ अपने महल में ले आए। जो बच्चे थे वे भी बोले कि हम तो अब कुमार के साथ मतलब रहेंगे। तो राजा ने कहा कि इतनी मुश्किल से तो मुझे आप मिले हो, और अब कहाँ जा रहे हो। तो बच्चे कहने लगे कि हम तो जो पालने वाला, जन्म देने से पालने वाला बड़ा है, हमारे माता पिता तो कुम्हार और कुम्हारी ही हैं, इन्होंने हमें पाला पोसा। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सा धन देकर और अपने महल में रहने का आग्रह किया, और सब प्यार से रहने लगे। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, रानी, ज्योतिषियों ने हमसे बच्चे नहीं होंगे यही कहा, फिर कैसे सब हुआ। तब रानी ने बताया कि मैंने अवसान माता के प्रसाद खाया और मनोती मांगी कि दी मुझे संतान सुख हो, तो माता रानी ने मेरी सुन ली, क्योंकि मैंने पुत्र उत्र दोनों मांगे थे। अवसान माता की पूजा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देव होने पर हमारे बच्चों की रक्षा की है। तो राजा ने बहुत दान पुण्य किया और भंडारे कराए। हे अवसान माता, जैसे आपने राजा रानी के बच्चों की रक्षा की और सबके बच्चों का करना, जैसे आपने राजा को सद्बुद्धि दी वैसे सबको देना, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो अवसान माता की जय।